साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स का एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्या कौन सा? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे। साथियों एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो वैद्युत आवेश के कारण, चार्ज के कारण जनरेट होती है। चार्ज क्या होता है? तो ऐसे कुछ किसी भी कण की, किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। एनी पार्टिकल हैज प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। एनी पार्टिकल हैज प्रॉपर्टीज ऑफ द अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन करने का गुण होता है किसी पॉइंट में, किसी बिंदु में, किसी कण में, तो उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं, उसे वैद्युत आवेश करते हैं। बिंदु आवेश क्या होता है? वही चार्ज अमाउंट में छोटा होता है, पॉइंट होता है। तो इसी से बिंदु आवेश से, आवेश से या इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब कब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कब वो अट्रैक्ट करेगा, कब आकर्षण का होगा उसमें, कब प्रतिकर्षण का गुण होगा। आकर्षण को क्या करते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। प्रतिकर्षण को रिपल्शन कहते हैं। तो अट्रैक्शन का, आकर्षण का गुण कब चार्ज में होगा? जब वो क्या होंगे? विपरीत आवेश होंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जब कोई चार्ज जो पार्टिकल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, चार्ज में तीन कण होते हैं, आपको पता है कैसे बना चार्ज मिलके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर कोई एटम बना होता है। तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर चक्कर काटते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या होते हैं, जब कोई कण जो होता है, कोई आवेश होता है, जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो ग्रहण करता है, तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इससे, तो जब कोई क्या होते, विपरीत आवेश होते हैं, मान लो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों एक ही हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे, क्या क्या रिपल्शन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो प्रतिकर्षित करेंगे, दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये होता है। तो इसकी, इसको ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या आपको वैद्युत आवेश मालूम होना चाहिए, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में क्या होता है, हमने बताया है, जिस कण की ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण उसमें आकर्षण का गुण होता है, जिसके कारण उसमें आकर्षण का गुण होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। द टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल बाय विच इट हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण होता है, उस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्टिकल की टेंडेंसी को ही चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, गुण होता है। अब ये क्या होता है, इसका मात्रक अगर यूनिट पूछा जाए आपको, तो इसके यूनिट कितनी क्या होती है चार्ज की, कूलाम, कूलाम होती है यूनिट चार्ज की,
इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कूलम्ब। कूलम्ब इसकी यूनिट होती चार्ज के। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? आवेश को, क्यू से। संकेत क्या है, सिंबल क्या है इसका? चार्ज का सिंबल आपका क्यू, क्यू होता है, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू लिखा जाता है। अब वास्तव में है क्या? वास्तव में चार्ज क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका सूत्र जो होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है, फार्मूला जो होता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। किसी भी चालक में प्रवाहित धारा तथा उस धारा प्रवाहित में लगे समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। जितनी देर में करंट भी इसी से आता, करंट क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता, प्रति सेकेंड चार्ज जो होता है इकट्ठा होता किसी, तो आई कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते उतने चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, बस ये होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है प्रोटॉनों पे, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव आवेश होता है। तो एक कूलम्ब किसके इक्वल टू होता है, कि वैल्यू कितनी होती है एक चार्ज की, कितनी वैल्यू होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब होता क्या है? क्यू इक्वल टू एन ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और क्यू इक्वल टू आई टी भी करते हैं। तो आई क्या है? आई करंट होती है, करंट है, धारा जिसको कहते हैं वैद्युत धारा कहते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है आपका, इसे ए से डिनोट करते हैं एम्पियर। और आपका टी तो समय होता है। तो चार्ज वास्तव में क्या है? किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगी, तो करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट जो होता है उसे हम भी चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की ये भी डिफिनेशन हो गई, द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड टाइम इज आल्सो कॉल्ड द चार्ज, क्यू इक्वल टू आई टी, और क्यू इक्वल एन ई आल्सो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उसका चार्ज हो जाएगा। तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हो, इसका कूलाम होता है, यूनिट होती है, और इसको ऐसे भी, इसका और भी मात्रक आप चार्ज इसे निकाल सकते हैं आई टी। आई का मतलब है एम्पियर होता है, इसका एम्पियर होता, टी का सेकेंड होता, तो एम्पियर सेकेंड भी इसकी यूनिट हो जाती है, एम्पियर सेकेंड भी यूनिट हो जाती है इसकी। तो कूलाम इसको कहते हैं, कूलाम भी इसकी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है कूलाम। क्यू इक्वल टू आई टी भी होता है, इससे आपके इसका एम्पियर होता है करंट का, टी का सेकेंड होता, ऐसे भी होता है। ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज आपका, चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया आपको क्लियर। अगर आई जिसे निकालते हैं इसे क्यू अपॉन टी, तो ऐसे भी कहते हैं किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा धारा कहलाती है, धारा होती है आपकी, करंट होती है वैद्युत करंट होती है। वैद्युत करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इन एनी कंडक्टर्स पर सेकेंड चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड चार्ज, फ्लो ऑफ पर सेकेंड चार्ज, जितना पर सेकेंड चार्ज फ्लो होता है वो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट होती है। इलेक्ट्रिक करंट किससे आती है? यानी ई से होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जितने समय में वो भी आपका टाइम होता है। पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जितना फ्लो करेगा आपका वो भी आपका क्या हो? आई टी इक्वल टू इसे क्या हो जाता है? इसी से एन ई इक्वल टू आपका आई टी हो गया, आई इक्वल टू क्या होता है? एन ई अपॉन टी हो गया। तो पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो करेंगे वो भी कितना होगा? वो भी करंट हो जाता है। पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन
फ्लो ऑफ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द करंट ऑफ द कंडक्टर, ये भी एम्पियर होता है। ये चार्ज कूलाम होता है, कूलाम पर सेकेंड हो जाता है, कूलाम पर सेकेंड भी आपका एम्पियर के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है चार्ज का, शायद आप समझ गए होंगे। इसी तरीके चार्ज हो गया, अब चार्ज से ही विद्युत क्षेत्र आता है। कोई भी चार्ज है अगर आपका, कोई भी चार्ज, अब यहाँ क्यों मान लीजिए, मान लीजिए पॉजिटिव है, और कोई भी अन्य चार्ज अगर यहाँ पे और कोई दूसरा चार्ज लाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, चार्ज ऑब्जर्वेशन चार्ज क्यू ओ से अगर इसको डिनोट करते हैं आप, ऑब्जर्वेशन चार्ज है अगर इसके पास लाते हैं तो आइदर वो क्या करेगा, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, दो एक ही चीज करेगा। दोनों अगर सेम चार्ज के हैं तो रिपेल करेगा, और अगर अगर दोनों अपोजिट चार्ज के हैं तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आइदर इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा और इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। तो क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग होता है, वह क्षेत्र होता है जहां कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो पूरा चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां कर सकता है। मान लो यहाँ यहाँ तक आया, फिर यहाँ यहाँ तक आया, यहाँ कर रहा, फिर आगे आया यहाँ, यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कर रहा, तो यहाँ नहीं, तो इतने में वैद्युत चार्ज रहेगा आपका, इतने में तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश लाने पर या तो आकर्षण बल, या वह आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जहां कोई अन्य आवेश लाने पर उस पर या तो आकर्षण बल कार्य करता है या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिस जहां तक लाने वो कार्य करेगा वो चारों ओर का वो क्षेत्र हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो फोर्स कार्य करता है इसमें, वैद्युत बल एफ ई कार्य करता है, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। तो जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, इधर अट्रैक्शन हो गया रिपल्शन, तो वो पूरा क्षेत्र चारों ओर का उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा आपका। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पे आवेश पे चार्ज करता है, तो ई इक्वल टू इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ये सदिश साथ होती है, सदिश साथ एफ अपॉन क्यू भी हो जाता है। ये क्या होता, फोर्स वर्क करता, फोर्स किस पे, पर सेकंड आवेश, जो क्या कार्य करता, वैद्युत बल कार्य करता, उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया सराउंडेड अ चार्ज वेयर एनी अदर एक्सपेरिमेंटल चार्ज एक्सपीरियंसेस आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए वेट इंग्लिश में, कि कोई चार्ज है, एनी चार्ज सराउंडेड एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर एनी अदर एक्सपेरिमेंटल चार्ज experiences either force of attraction or force of repulsion, it's called electric field। जहाँ तक ये वर्क करेगा, चाहे ये है आपका, जहाँ नहीं करेगा, यहाँ तक करा तो ये पूरा एरिया आपका यहाँ ये सब पूरी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई, तो मिटा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी साथियों,
किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जहां कोई अन्य परीक्षण आवेश लाने पर या तो वह आकर्षण बल का अनुभव करता है या वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा लिखें हम लोग, फर्श सूख जाए, गीला है, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या होता है? एरिया सराउंडेड अ चार्ज वेयर ब्रिंगिंग एनी अदर एनी ऑब्जेक्टरी चार्ज एक्सपीरियंसेस आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इसे ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। ई इज इक्वल टू क्या होता है? अभी बताया था आपको, एफ अपान क्यू। इसकी यूनिट क्या हो गए? एफ की क्या होती है? न्यूटन। इसकी क्या होती है? क्यू की कोलम सी। तो इसको लिख सकते हैं एन सी पावर माइनस वन न्यूटन प्रति कोलम। इसकी यूनिट न्यूटन प्रति कोलम होती है, न्यूटन प्रति कोलम। एन सी और माइनस वन लिखते हैं, न्यूटन प्रति कोलम लिखते हैं इसको, न्यूटन प्रति कोलम लिख सकते हैं। फोर्स की न्यूटन यूनिट होती है, इसकी कोलम होती है। अब अगर इसको आप लिखना चाहें, इसकी डायमेंशन लिखना चाहें अगर, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? जिसको आप बीमा कहते हैं, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, क्यू इज इक्वल टू आपका क्या होता है? आई टी। इससे निकाल लेंगे, एम का मास का एम होता है डायमेंशन, ये एक्सेलरेशन का एल टी पावर माइनस टू होता है, और आई का ए होता है, टी का टी होता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टीक पावर ए माइनस वन इसमें और ऐड हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो टीक पावर क्या हो जाएगा? माइनस थ्री। एक पावर ऊपर जाएगा तो माइनस वन, ये वन है प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस एक पावर माइनस वन हो गया, टीक पावर माइनस वन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टीक पावर माइनस टू इंटू टीक पावर माइनस वन, टीक पावर माइनस थ्री ऐड हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, और कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन है और आपका मैग्नीट्यूड तो है ही। तो आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। फोर्स जो वर्क करता है चार्ज पे, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसे, इंटेंसिटी क्या होती है? जितना ज्यादा या कम होता
फोर्स ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, फोर्स कम लग रहा है तो इंटेंसिटी कम लग रहा है। तो यही फॉर्मूला रहेगा इंटेंसिटी का भी, और ये रहेगा आपका डायमेंशन रहेगी आपकी। अब हम बात करते हैं, इसी में कूलाम का नियम भी वर्क करता है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था कि इन्होंने कहा था कि दो कोई भी बिंदु आवेश, मान लीजिए Q1 Q2 है, पॉइंट चार्ज हैं, मतलब नेग्लिजिबल चार्जेज हैं, बहुत स्मॉल चार्जेज हैं, पॉइंट चार्ज दो इस, और वो क्या कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं वो। उन्होंने कहा मतलब वो वेरिएबल है, गतिमान नहीं है, मूवेबल नहीं है, अगर कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं, अगर पॉइंट हैं और स्थिर हैं और उनके बिटवीन कोई दूरी है, बीच की दूरी है, तो क्या कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य सदा एक बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है, जो उनके आवेशों की मात्राओं के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर Q1 into Q2। और क्या बताया था, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर मिला दो तो क्या होता है, एफ ही अनुक्रमानुपाती के वन क्यू टू अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कॉमन है चीज, तो एक ही लिखी जाएगी, ये हो जाता है। इक्वल करते हैं अगर आप इसमें, एफ इक्वल टू के वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, के कांस्टेंट आ जाता है इसकी जगह। अगर आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाते हैं साइन, तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट होता है के, परावैद्युतांक कहते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो कूलाम का नियम क्या था, इन्होंने एक नियम दिया था, इन्होंने कहा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य सदा एक बल कार्य करता है, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। वो क्या होगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जो क्या होता है, जो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने कहा था अ फोर्स एक्टेड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन, आइदर फोर्स ऑफ रिपल्शन, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टेड बिटवीन टू कांस्टेंट पॉइंट चार्जेस। कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड द कूलाम्स लॉ। एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस हो गया, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायरेक्ट करें तो के हो जाता है के वन क्यू टू आर स्क्वायर, वेयर के इज क्या है, परावैद्युतांक है। अब ये वाय अथवा निर्वात के लिए, वाय निर्वात अगर में है ये स्थिर है तो के इज इक्वल टू वन हो जाता है। के की वैल्यू क्या होती है, के वाय निर्वात के लिए के इज इक्वल टू वन होता है। कोई मेटल में अगर ये है, मेटल मतलब धातु के लिए, धातु में के ग्रेटर देन वन होता ऑलवेज, सॉरी धातु के लिए आपका के क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इनफिनिटी होता है आपका। और कोई परा, और कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, उसके लिए के ग्रेटर देन वन होता है, आदर्श के लिए, अन्य के लिए के ग्रेटर देन वन होता है। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी डायलैक्ट्रिक की, परावैद्युतांक की।
आप समझ लीजिए कांस्टेंट ज्यादातर क्या वायु निर्वात में होता है आपका ये, तो इसकी वैल्यू इसमें डिफर करती है। अगर ये चार्जेज हमारे या तो निर्वात में है या वायु में, अगर तो के की वैल्यू वन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे के की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी। वैसे किसी भी परावर्तांक के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये हमारा कूलाम्स लॉ हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। अब अगर देखेंगे जनरली इसकी के की वैल्यू कितनी रहती है, यहाँ पे के इक्वल टू होता है 1/4 πε₀, वेयर ε₀ की वैल्यू होती है आपकी 8.85 × 10−12 होती है, ये वैल्यू होती है इसकी ε₀ की। इसको क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं इसे, निर्वात की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम ये वैल्यू यूज की जाती है इसकी जगह पे ε₀ की। तो इसकी के की वैल्यू क्या यूज होती है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए परावैद्युतांक, जैसे भी तेल है, कांच है, कुछ भी रखा है वहां पे, मोम है, कुछ भी है इसकी जगह पे, कोई भी अन्य पदार्थ है डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ 9×10⁻⁹ वैल्यू हो जाती के की। तो एफ इज इक्वल टू हमेशा यूज किया जाता है जनरली 9×10⁹ q₁ q₂/r², ये वैल्यू यूज की जाती है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है ε₀, इसको कहते हैं ε₀ कहते हैं, और केवल ε₀ होता है वो आपकी रिलेटिविटी परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी को ε₀ कहते हैं। अगर यहाँ पे हो तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, अगर ई केवल ε₀ लिखा तो के ε₀ होता है इसकी वैल्यू, मतलब के की वैल्यू अगर होता है तो ये क्या होती है, के ε₀ अगर है तो ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, हो जाएगी निरपेक्ष वैद्युतशीलता हो जाएगी आपकी। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता ये यूज की जाती है, के की वैल्यू हो जाती है 9×10⁹, और के की वैल्यू 1/4 πε₀ हो जाती है, ε₀ की वैल्यू ये यूज की जाती है आपकी। तो कूलाम के नियम के अनुसार बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए इसका यूज बहुत ही जरूरी होता है। अब अगर हम देखें इसी में, अब आपको इलेक्ट्रिक विभव अगर मालूम करना है, तो इलेक्ट्रिक विभव क्या होता है, चार्ज से ही रिलेटेड होता है सब कुछ। तो इलेक्ट्रिक विभव के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मालूम करना है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, वी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी चार्ज को अगर हम कहां से लाएं, इन्फिनिटी से लाएं, मान लीजिए कहां लाएं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं, यहां तक लाएं मान लीजिए, तो इसको लाने में यहां तक जो वर्क किया जाता है, वर्क
वर्क डन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी वैद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है, कार्य किया जाता है इसमें आपका, वर्क डन होता है किसी भी, ओके, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे ही हम इलेक्ट्रिक वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये किसी वैद्युत आवेश को इन्फिनिटी से अनंत से, ये इन्फिनिटी है मतलब नॉट डिफाइंड डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अगर वैद्युत विभवांतर पूछा जाए तो वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक अगर किसी चीज को ला रहे हो, यहाँ भी ये भी तो यहाँ से लाने में जो किया जाएगा उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं, विभव में अंतर आएगा, इसका फॉर्मूला यही रहेगा आपका, उसमें केवल वी ए माइनस वी हो जाएगा आपका, वी भी कह सकते हैं आप, ए वी डब्ल्यू अपान क्यू आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, वो अनंत से यहाँ तक लाने में किया जाएगा आपका। दोस्तों ये हमारा रहा इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक लेके साथियों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सफल होइए, और भी बहुत से हमारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है कैलिबर अड्डा के, आप वहाँ जा करके इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने कैलिबर को इन्हेंस कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स अगर टॉपिक में किसी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, हम उसका निवारण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।